इंडियन क्रिएटर कैंप जी हाँ गए, ये हर साल दिल्ली में या फिर कहीं आउटडोर होता था, ठीक है, हाँ किसी प्लेस पे होता था, लेकिन अब से क्या हुआ है, ये ऑनलाइन होगा, यानी पहले क्या था ऑफलाइन और अब ऑनलाइन। जी हाँ गए, और आप इसमें भाग लेना चाहते हैं, ठीक है, इंडियन क्रिएटर कैंप में, तो काफ़ी सिंपल तरीका है, ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रजिस्टर करना है और सीधा फिल हो जाएगा, ठीक है, फॉर्म, और आप वहाँ एंटर कर देंगे। लेकिन ये 21 जून को, जून चल रहा है, ठीक, 21 जून को, और इसका जो फॉर्म है वो कब बंद हो जाएगा फिल करना, 16 जून को। जी हाँ गए, 16 जून को ये बंद हो जाएगा और 21 जून को जो क्रिएटर कैंप है वो शुरू होगा, ठीक है, और ये सुबह से 11 बजे से लेके दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक चलेगा, जिनमें हम भाग लेंगे, ठीक है। अब कैसे लेते हैं, क्रिएटर कैंप क्या होता है, ठीक है, सारी डिटेल आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शूट करता हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक करें, फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करिएगा। आपका स्वागत है हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में, मैं हूँ आयुष और आप सबका स्वागत करता हूँ। तो क्या बोलती पब्लिक, शुरू करें अपने अंदाज में। जी हाँ गए, क्रिएटर कैंप क्या होता है, ठीक है, ये पहले हमारी टॉपिक है। क्रिएटर कैंप वो मतलब जैसे हम किसी क्रिएटर से मिलते हैं, ठीक है, वो यूट्यूब ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, क्रिएटर कैंप, लेकिन हम जाते हैं उनसे मिलते हैं, जो भी क्वेश्चन है तो वो करते हैं, ये सब ऑफलाइन होता था, ठीक है, पहले दिल्ली में या फिर कहीं और किसी और जगह में, इंडिया में ही अगर इंडियन का है तो, ठीक है। और अब क्या हुआ है, ये ऑनलाइन हुआ है, यानी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करिए और ऑनलाइन क्रिएटर कैंप ज्वाइन कर लीजिए। क्रिएटर कैंप तो समझ ही गए क्या होता है, कि आप अपने मतलब क्रिएटर से, यानी आपका जो भी चाहिता क्रिएटर है, ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है या फिर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं उस क्रिएटर से, ठीक है, किसी यूट्यूबर से, तो आप कर सकते हैं उससे, ठीक है, जो जो ज्वाइन करेगा, ठीक है, उनसे आप कर सकते हैं, वो लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है, क्रिएटर कैंप, आप उन लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं और आंसर भी पा सकते हैं, ये क्रिएटर कैंप होता है, ठीक। लेकिन ये हर साल ऑफलाइन होता था, लेकिन जब से कोरोना लगा है, ठीक है, कोविड की वजह से ये ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, अगले साल भी ऑनलाइन हुआ था, इस साल भी ऑनलाइन ही होगा। लेकिन अब क्वेश्चन आएगा कि हम ज्वाइन कैसे करें, ये बहुत बड़ी पॉइंट होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, इस डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, यहाँ इस वीडियो के आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो को कट करके मत जाइएगा, क्योंकि फॉर्म काफ़ी डिफिकल्ट है, कैसे भरना है, क्या करना है, सब कुछ आज के इस डिटेल में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फॉर्म भर के दिखाता हूँ अपने मोबाइल के, इसका आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का पेज खुलेगा, ठीक है, मेरे यहाँ खुल गया, आप देख पा रहे हैं ये खुल चुका है, ठीक है। अब खुलने के बाद क्या है, यहाँ सब कुछ मतलब अच्छी तरह लिखा हुआ है, क्या करना है, क्या क्या मतलब कैसे होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ एक रजिस्टर का ऑप्शन दिया है, उसके नीचे आप देखिए तो एजेंडा में बहुत कुछ दिया है, ठीक है, वेलकम टू क्रिएटर कैंप होगा, फिर कंट्री की नोट्स, रीजनल अपडेट, या फिर मतलब जो भी होता है वो सब कुछ यहाँ टाइमिंग के साथ दिया हुआ है, आप अच्छी तरह देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ जब आप ऊपर आएंगे एजेंडा के ऊपर, यहाँ आपको दिया है रजिस्टर का ऑप्शन, ठीक है, जब आप रजिस्टर यहाँ करेंगे तो फिर आपके सामने कोई और पेज खुलेगा, क्या अगर साइनिंग नहीं किए तो पहले आपको साइनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से साइनिंग करता हूँ, आप उसी अकाउंट से करिएगा जिस पे आपका चैनल है, ठीक है, जिस चैनल से आप उनसे मिलना चाहते हो वही चैनल की ईमेल आईडी से लॉगिन करिएगा, ठीक है, मैं कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं जब आप साइनिंग कर लेंगे तो कुछ इस टाइप का ऑप्शन देगा, ठीक है, यहाँ ईमेल यहाँ ऊपर दिखाएगा और नीचे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप अपने चैनल का नाम डालेंगे, ठीक है, या फिर अपना भी नाम डाल सकते हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है, नाम से। अब आप यहाँ अपने चैनल की जो मतलब लिंक है उसको डालेंगे, ठीक है, लिंक मैं डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा कस्टम URL बना है, ठीक है, इसलिए मैं लिंक सीधा टाइप करके डाल सकता हूँ, आपका नहीं बना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ कैसे बनाते हैं वो भी डिटेल में दिया हुआ है। मैंने अपने चैनल का जो URL है यहाँ लिख दिया है, ठीक है, आपके हिसाब से लिख लीजिए। यहाँ दिया है YouTube चैनल ID, अब ये क्या आता है मैं आपको बता दूँ, ठीक है। आपका कोई कस्टम URL बना है तब तो ठीक है, नहीं बना है तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक है, कैसे मैं आपको बता दूँ। जब आप कस्टम URL पे जाएंगे, ठीक है, तो जो लास्ट का पॉइंट होता है यानी youtube.com/c/ के बाद जो पॉइंट होता है उसको यहाँ लिखना होता है, वही हमारे चैनल की ID होती है, ठीक है। यहाँ लिंक पे देख पा रहे हैं अभी मेरे URL जो है उसके लास्ट में क्या लिखा है, द शिवम गेमिंग, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वो, ठीक है, काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है, ये भी मैंने फिल कर दिया है। यहाँ आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, किस कंट्री से आप हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँ इंडिया, क्योंकि मैं इंडिया से, आप जहाँ से हैं वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, दिया है मैं इस पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है।
अभी आपको ये ऑप्शन दिया है, क्रिएटर कैंप के बारे में कहाँ से पता चला है, ये आप यहाँ पूछा है, ठीक है। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस इवेंट, ठीक है, इस इवेंट के बारे में कैसे आपको पता है। यहाँ आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे ईमेल फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है, ईमेल किया है यूट्यूब, या फिर फेसबुक ऐड से, या फिर अदर क्रिएटर्स से, फ्रेंड से, फैमिली से, ठीक है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया अदर क्रिएटर या फिर फ्रेंड फैमिली, इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, ये हो गया। अब यहाँ कुछ भी आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं सीधा लिख दे रहा हूँ यूट्यूब, मैं सीधा इतना ही लिख रहा हूँ, आपको मन वहाँ लिख सकते हैं। अब आप किस टॉपिक पे क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ क्लिक करके लिख देता हूँ गेमिंग लिख दिया हूँ। अब आपको यहाँ आना है एकदम लास्ट में, ठीक है, अगर आपका कोई शॉर्ट चैनल है तो यहाँ इसका URL दे दिया गया, वरना ये ऑप्शनल है, ठीक है, इस पर कोई मायने नहीं रखता। आपको यहाँ अलाउ करना है और सीधा आप नीचे चले जाएंगे, ठीक है। इसको अलाउ करने के बाद आप 18 साल से ऊपर हैं या फिर 18 साल से नीचे, ठीक है, तो मैं 18 साल से नीचे हूँ, तो यहाँ अंडर 18 ईयर ओल्ड लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ इसको पूरा मतलब जो भी है उसको सेलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है, अलाउ करना जरूरी है। फिर यहाँ से आपको सेंड ईमेल अपडेट, यानी जब ये शुरू होगा तो आपको ईमेल आए तो यहाँ कर दीजिएगा यस, ठीक है। अब यहाँ रजिस्टर का ऑप्शन है, इस पर आप रजिस्टर कर दीजिए। जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है 21 जून, ठीक है, ये शुरू हो जाएगा, और 16 जून को इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म मतलब डिसेबल कर दिया जाएगा। जून 2022 से पहले आप इसको रजिस्टर कर लीजिएगा, वरना फिर आप ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है, और 21 जून को ये शुरू होगा, और आपके ईमेल पे आ जाएगा मैसेज कि ये शुरू हो गया, तो आप उस पर क्लिक करके उस लिंक पे सीधा वहाँ चले जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ भी होगा जिस लिंक से। अब यहाँ आपको बैक टू इवेंट पे क्लिक करके बैक आ जा रहा है, यहाँ आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है यू आर अदर रजिस्टर्ड, बट अगर कैंसिल करना है तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया है कैंसिल रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करके कैंसिल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ एजेंडा है, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा, मैंने क्या बताया, कैसे बताया, क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, सब कुछ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है, कहाँ ये होगा, कैसे होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं बंद करता हूँ, आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं फिर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट करिए, क्योंकि मैं ऐसे यूट्यूब ट्रिक एंड टिप्स, अनबॉक्सिंग या फिर टेक्निकल वीडियोज़ लाता रहता हूँ, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो